व्हाट्सअप गाइस, फिर से वापस आ चुका हूं मेरे नेटवर्क के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइट नाइट के ग्रैंड फाइनल्स में हुए कुछ क्लचेस के बारे में। अब देखिए, पहले तो फाइट नाइट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा। फाइट नाइट क्या है? फाइट नाइट बेसिकली दो टीमों के बीच या फिर कोई भी टीम का अगर कुछ भी कलेश चल रहा है या फिर लड़ाई चल रहा है या फिर राइवलरी चल रहा है, उसे आप इन गेम में सॉर्ट आउट करते हो। जैसे आप लोगों ने यूएफसी में देखा है ना कि कैसे रिंग में दो प्लेयर्स फाइट आउट करते हैं। जो भी होता है गेम में करो, गेम के अंदर करो। तो मेन पर्पस फाइट नाइट का यही होता है कि आप राइवलरीज को इन गेम में आके वहां पे आपका जवाब दो। आई नो कि ये बहुत ही नया अप्रोच होगा मेरे साइड से, तो अगर कुछ भी मैं गलत करता हूं तो जरूर से मुझे माफ कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो ज्यादा वक्त ज्यादा करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्लच जो निकाला गया है वो निकाला गया है टीम एक्सो के सेंसे के द्वारा। अब ये सिचुएशन एक ऐसा मोमेंट था मीनामार के मैप में जहां पे मिड रोटेशन फाइट चल रही थी टीमों के बीच, जहां पे ब्रॉलर्स एक्सो के साथ फाइट कर रहे थे एंड काफी एडवांटेज गेन कर लेते हैं, जहां पे उन्होंने फियर्स को डाउन कर दिया, पंक को डाउन कर दिया एंड इवन आई थिंक इमॉर्टल भी वहां पे डाउन हो जाते हैं। एंड इस जगह पे मुझे ऐसा लगा कि ब्रॉलर्स के प्लेयर्स यू नो ये फाइट जीत सकते थे, बट आप सेंसे को देखिए, उनकी मूवमेंट को देखिए, एज एन आईजीएल वो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी टीम के लिए एंड कितना काम हेडेडली पहले वो रावत को टेक डाउन करते हैं, उसके बाद यू नो ब्रॉलर्स के प्लेयर्स की तरफ से गलती सबसे बड़ी ये हुई कि वो एक एक करके आ रहे थे। एंड यू नो हम जानते हैं चाहे कोई भी बैटल रॉयल गेम हो, आप कभी भी एज अ प्लेयर अगर आप एक 1v1 बैटल लोगे तो 1v1 में कुछ भी हो सकता है। कोई भी आपको यू नो पहला हेडशॉट जो चिपकाएगा वो तो एडवांटेज आपके ऊपर लेके जाएगा। एंड सेंसे के पास वहां पे कवर था, सेंसे को वहां पे हील करने का टाइम मिला। देखिए फिर से एक और बार रेज भी पुश कर रहे थे, रेज भी अकेले थे। अब लौते प्लेयर बचे डार्क, डार्क के पास भी टाइम नहीं क्योंकि डार्क पहले खुद लो थे, उनको पहले हील करना था फिर दौर के ऊपर आना था। सेंसे कंटिन्यूअसली डैमेज दिए जा रहे थे, बट एक सेंसिबल चीज यहाँ पे सेंसे की तरफ से किया गया कि उन्होंने जितने भी प्लेयर्स को नॉक किया उन्होंने उनका फिनिश पॉइंट निकाल लिया। एंड ऐसे कॉम्पिटेटिव लॉबीज में आपको फिनिशेस कंप्लीट करने पड़ते हैं ताकि आपको वो एक पॉइंट मिले, वो एडवांटेज होता है। अगर आप वो नॉक करके छोड़ देते हो वो रिवाइव हो जाता है, जो कि यहाँ पे टीम एक्सो के प्लेयर्स के साथ हुआ। देखिए नॉक तो निकाला था यहाँ पे ब्रॉलर्स के प्लेयर्स ने, इमॉर्टल भी नॉक हुए थे एक्सेप्ट फॉर पंक, बाकी सारे प्लेयर्स यहाँ पे रिवाइव हो जाते हैं क्योंकि प्लेयर काफी दूर है। जब तक यहाँ पे डार्क पहुंचते हैं तब तक ऑलरेडी इमॉर्टल को रिवाइव मिल चुका है, तब तक सेंसे को रिवाइव मिल सेंसे एक्चुअली नहीं सेंसे ने यहाँ पे फियर्स को भी रिवाइव कर दिया था। अब डार्क का पोजीशन भी रिवील हो चुका है, एक ग्रेनेड एंड 3v1 सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको यू नो उस टाइम पे लेना होता है, एज अ टीम डिसाइड करना पड़ता है, एज अ प्लेयर आपको डिसाइड करना पड़ता है। एंड जब आप क्लच कर रहे होते तब आप यू नो ये डिपेंड नहीं करता कि आप आईजीएल हो या फिर आप असॉल्टर हो या फिर आप स्नाइपर हो उस टीम के, वो डिपेंड करता है कि आप उस मोमेंट पे एज अ प्लेयर कैसा इंप्रोवाइज कर रहे हो। एंड आई थिंक सेंसे ने बहुत यू नो अच्छी तरीके से उस फाइट को कन्वर्ट किया अपने फेवर में, 1v1 बैटल्स लिए एंड ब्रॉलर्स की तरफ से गलती ये हुई कि वो एक एक करके आए, साथ में आए नहीं। साथ में अगर आते तो शायद से ये फाइट उनके फेवर में बहुत आसानी से जा सकता था। अब आते हैं दूसरे क्लच में, तो बेसिकली दूसरा क्लच निकाला गया है एनिग्मा वर्सेस गॉडलाइक के फाइट में एंड क्लच गॉड से ही निकाला गया है, उनके नाम में ही है क्लच गॉड। एंड अब आप इस सिचुएशन में काफी गौर से नोटिस करिए कि क्लच गॉड का पोजीशनिंग कहां पे है, जोनाथन कहां पे, जोनाथन बहुत आगे जा चुके हैं, नियो बहुत पीछे हैं जो कवर फायर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जी गॉड और क्लच गॉड बहुत ज्यादा राइट हैंड साइड से फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जोनाथन का यहां पे कॉल आया है कि सामने मेरे बंदे हैं, सामने पूरी टीम है, ऐसा नहीं कि एक बंदा है उस सिचुएशन में। अब क्लच गॉड का ये जो फ्लैंक होता है ये एनिग्मा के प्लेयर्स ने रीड नहीं किया होता क्योंकि अभी ऑलरेडी नॉक्ड आउट पड़े हुए थे। अब यहां पे क्लच गॉड जैसे ही घुसते हैं उनको क्लियरली पहले एनिग्मा के रेक्स दिखते हैं एंड ये जो छोटे छोटे मूव्स होते हैं बाई प्लेयर्स जो उस मोमेंट पे वो करते हैं उसी से आई थिंक प्लेयर्स बन जाते हैं एंड ये प्लेयर्स निकालना इतना आसान नहीं होता क्योंकि देखिए कंटिन्यूअसली वहां पे नॉक्स निकाले जा रहे थे, वहां पे डैमेज दिया जा रहा था, बट क्लच गॉड का ये ग्रेनेड जो एनिग्मा के एगी के ऊपर पड़ते क्योंकि अभी पहले से नॉक्ड आउट था, अभी यहां पे रिवाइव नहीं हुआ एंड इटली जो थे बहुत पीछे की तरफ थे, वो बगी में आप देख सकते हो कि वो अभी भी बगी में है, यानी ग्रेनेड ने यहां पे काम खराब कर दिया। अगर ग्रेनेड नहीं गिरता, कनेक्शन नहीं होता इस सिचुएशन में तो शायद से वो एडवांटेज नहीं मिलता गॉडलाइक के प्लेयर्स को, बट इटली जो है आई डोंट नो क्यों ये क्या मतलब था गाड़ी लेके इतना सामने से आने का जहां पे गॉडलाइक के प्लेयर्स ऑलरेडी पहुंच चुके थे, क्लच गॉड पहुंच चुके थे, नियो पीछे से आ रहे थे एंड बिना कोई प्लेयर खोए यहाँ पे क्लच गॉड ने अपने टीम के फेवर में चार फिनिश पॉइंट डाल दिए और अपने लिए भी एक क्लच निकाल लिया। ये क्लच कौन निकालता है, कैसे निकालता है, क्यों निकालता है, वो यहाँ पे वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू ये रखता है कि आप एज अ प्लेयर कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर मेरे पास ऐसा एंगल है मैं तीन प्लेयर्स को डाउन कर सकता हूं और मैं दो प्लेयर्स को डाउन कर सकता हूं मेरे डिसिप्लिन के साथ, मेरे प्लेयर्स के साथ, मेरे दिमाग के साथ, तो मैं क्यों ना करूं। एंड आई थिंक क्लच गॉड ने यहां पे बहुत बखूबी से ये फाइट को अपने फेवर में कन्वर्ट किया है। हां आई थिंक यहां पे थोड़ा एनिग्मा के प्लेयर्स को थोड़ा स्प्रेड रहना था,
बाकी डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए एज अ टीम जब भी आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो एंड स्पेशली व्हेन इट इज गॉड लाइक, आपको फ्लैंक तो एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे। आई थिंक एनिग्मा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, बहुत इजीली वहां पे अभी को टेरन कर लिया गया। पहले जब आ रहे थे ओपन में प्रून डाउन पड़े हुए थे, इमीडिएट उनको स्प्रे पड़ा, नॉक हुए, उसके बाद ग्रेनेड आया, कनेक्शन मिल गया। आई थिंक जब नॉक हुए थे अभी तब भी उनको सतर्क हो जाना चाहिए था कि यार प्लेयर आ चुके हैं मेरे पीछे के साइड पे एंड हमें ग्रेनेड्स पड़ सकते हैं, तो हमें थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाना चाहिए, थोड़े स्मोक डाल के कि यहाँ पे अभी को पहले रिवाइव देते फिर क्लच गॉड से फाइट करते, क्योंकि न्यू तो बहुत दूर थे, तो वो चीज़ हमें देखने को मिला नहीं। और इटली जो खुद फ्लैंक पे थे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, तो इसीलिए और ज्यादा दिक्कतों में आ गए एनिग्मा की टीम। एंड ये दो मोमेंट्स मुझे आप लोगों को दिखाने थे जो आपको फाइट नाइट में देखने मिले। अब मुझे कल के फाइट नाइट के ग्रैंड फाइनल्स में दो ही ऐसे क्लचेस देखने को मिले जिस वजह से मुझे ऐसा लगा कि गेम चेंजर था अपनी टीम के लिए और पूरा कोर्स बदल दिया गया फाइट का एंड प्ले का। एंड ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हर दिन होते हैं, हर घंटे होते हैं, हर एक टूर्नामेंट में होता है। फाइट नाइट क्योंकि मैं कास्ट कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ ये मूवमेंट। एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट जो मैं टूर्नामेंट्स कास्ट करूंगा ऑफकोर्स मैं लाने की कोशिश करूंगा। बीच बैटल ऑन मोबाइल इंडिया की कम्युनिटी के बारे में एंड गेम के बारे में, गेम तो पहले चलिए वो तो हमें पता है, सब लोगों को पता है, ऐसे मोमेंट्स और ऐसे जो एनालिसिस वीडियोस है बीजीएमआई के ऊपर मैं थोड़े थोड़े लाने की कोशिश करूंगा। जितना मैं टूर्नामेंट्स करूंगा उतना ज्यादा मैं इंप्रूव करूंगा एंड आप लोगों के सामने ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा एंड अच्छा लगा तो मैंने बोल ही दिया, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।